नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बता दूं कि आज पाठशाला में कौन कौन सी क्लास लगाने वाला हूं। राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होना है, लेकिन उद्घाटन से 25 दिन पहले राम मंदिर में ऐसा क्या क्या दिखा है जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे, आज इसका चैप्टर लेकर आया। यानी राम मंदिर की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हर हिंदू को हैरान करेंगी, आज आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगा। रामलला की मूर्ति कैसी बन रही है, वो जानकारी जो हर हिंदू जानना चाहता है, एक एक डिटेल आपके लिए आज लेकर आया हूं। मोदी श्री राम को मंदिर लाएंगे, राहुल मोदी को 400 सीट जिताने के लिए निकल जाएंगे, आज इसका चैप्टर भी। राम मंदिर पर विपक्ष की नई तकलीफ सुनेंगे तो माथा पीट लेंगे। मोदी के राम, मोदी का काम वर्सेस राहुल की नई यात्रा का चैप्टर भी खुलेगा आज। इसके अलावा सोनिया के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी को क्या सबूत मिला है, मोदी के मंत्री बॉर्डर पर पाकिस्तान में फिर घुसने की तैयारी हो रही है क्या, सैनिक के बलिदान का बदला, मोदी पाकिस्तान को फिर ठोकने वाले हैं क्या, आज इसका चैप्टर भी है। कश्मीर से आ रही सबसे बड़ी खबर का चैप्टर खोलूंगा आज थोड़ी देर में। और फिर आपकी हर बीमारी का पता लगाने वाले सीक्रेट जासूस से मिलवाऊंगा। और आखिर में किस्सा अनसुना, सलमान को छाती के बाल उगाने की सलाह देने वाले के साथ क्या हुआ था, आज इसका अनसुना किस्सा बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। अयोध्या के रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम रखा गया है। रेलवे ने स्टेशन का नाम बदलने का आदेश जारी कर दिया है। दो दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या स्टेशन का जायजा लिया, जिसके बाद उन्होंने स्टेशन का नाम बदलने की इच्छा जताई। इसके बाद रेलवे ने यह फैसला लिया। 30 दिसंबर को पीएम मोदी अयोध्या धाम स्टेशन से वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। अयोध्या के रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम रख दिया गया है, और जो आदेश आ गया उसके बारे में तो आपको बताया ही, लेकिन अब आपको बताता हूं कि कैसे राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में 1 जनवरी से उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर अब 450 रुपए में मिलेगा। बीजेपी ने इसका वादा चुनाव में किया था। पिछले कुछ दिनों से विपक्ष यह हल्ला मचा रहा था कि बीजेपी अपना चुनावी वादा भूल गई है, क्योंकि लोकसभा में सरकार ने जवाब दिया था कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का कोई वादा नहीं। अब यह मुद्दे की हवा निकल गई, क्योंकि राजस्थान के सीएम ने ऐलान कर दिया कि 1 जनवरी से राजस्थान में 450 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। शेयर बाजार में आज बंपर तेजी देखने को मिली है। शेयर बाजार ने 71,000 के आंकड़े को पार कर लिया है, जो ऑल टाइम हाई है। निफ्टी ने भी पहली बार 21,650 के लेवल को पार किया। शेयर बाजार 700 से ज्यादा अंकों की बढ़त के बाद 72,038 अंकों पर बंद हुआ है। तो यह हो गया दिन भर का रिविजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, उद्घाटन से 25 दिन पहले राम मंदिर में ऐसा क्या क्या दिखा जो आपको चौंकाएगा। राम मंदिर की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरों का हैरान कर देने वाला चैप्टर सबसे पहले खोल रहा हूं। रामलला की मूर्ति कैसी बन रही है, वो जानकारी जो हर हिंदू जानना चाहता है, आज सबसे पहले उसकी। अयोध्या और राम मंदिर को लेकर फिलहाल ऐसा माहौल हो गया है जैसे देश की हर सड़क अयोध्या जा रही है। जिसे देखो वो राम मंदिर की बातें कर रहा है। सबको 22 जनवरी के दिन का इंतजार है। ऐसे माहौल में राम मंदिर की सबसे लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए, क्योंकि हर आदमी यह जानना चाहता है कि राम मंदिर का काम कितना हो गया, राम मंदिर आज की डेट में कैसी दिख रही है, कैसा दिख रहा है, और 25 दिन बाद राम मंदिर कैसा दिखेगा। आज इन सारे सवालों के जवाब आपको पाठशाला में देने जा रहा हूं। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम मंदिर को जबरदस्त तैयार किया जा रहा है। 22 जनवरी में अब 25 दिन का समय बचा है, इसलिए काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। कर्मचारी भी ना दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं, मन में बस यही भावना है कि श्री राम का काम है, इसे तय समय पर तो पूरा करना है बस। और इसी वजह से राम मंदिर अब वो आकार ले रहा है जिसकी कल्पना की गई। राम मंदिर की साकार हो रही कल्पना आज आपको दिखाऊंगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि क्या गजब का राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर और उसके अंदर के ऐसे ऐसे वीडियो आपको दिखाऊंगा जो आप पहली बार देखने जा रहे हैं। बिना देर किए आपको राम मंदिर के दर्शन करवाना शुरू करता हूं। पहले देखिए भव्य राम मंदिर का शानदार नजारा कि सामने से देखने पर, जब आप पहुंचिएगा और राम मंदिर के सामने खड़े होइएगा तो ये लुक एंड फील आएगा।
कितना विहंगम और भव्य लग रहा है राम मंदिर, संपूर्ण राम मंदिर इस वीडियो में आपको दिख रहा है। सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों से चढ़ के जाइए, फिर वहां पर पैसेज दिखता है और फिर आप राम मंदिर में घुसते हैं। इसी भव्य मंदिर में 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करें। अब दूसरे एंगल से राम मंदिर की विशालता और भव्यता आपको दिखाता हूं। ये देखिए, वो तो सामने का एंगल हो गया, लेकिन ये इतने बड़े एरिया में राम मंदिर बन रहा है कि आप चारों तरफ जब घूमिएगा तो आपको लगेगा कि आप प्रभु श्री राम बैठे हैं बीच में और आप परिक्रमा कर रहे हैं। राम मंदिर की सीढ़ियों के पास खड़े होकर ऊपर देखने पर मंदिर इस तरह का कुछ नजर आता है। मंदिर के स्तंभ और उस पर बेहद शानदार नक्काशी नजर आती है। देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी उकेरी गई हैं इस पर, वो भी आपको आगे दिखाऊंगा। आप देखिए मंदिर की एंट्री पॉइंट, जहां से सीधे मंदिर का गर्भगृह दिखाई देगा, वो कितना विशाल बनाया गया है। राम मंदिर में कोई भी काम बिना कारण नहीं हुआ, एक एक पत्थर पूरे वैज्ञानिक गणना और शास्त्रों के मुताबिक रखा गया है। राम मंदिर के लिए कितनी तेजी से काम हो रहा है आपको उसकी एक रिपोर्ट भी दिखाता हूं। हमारे सहयोगी दिनेश गौतम वहां अयोध्या गए हुए हैं, वहां की तैयारियों के बारे में कुछ बताया है उन्होंने, एक रिपोर्ट भेजी है, वो रिपोर्ट देखिए, फिर आपको कुछ अंदर की तस्वीरें दिखाऊंगा, गर्भगृह की तस्वीरें दिखाऊंगा और जो रामलला की मूर्ति बन रही है उसके बारे में सुनिएगा तो मन गदगद हो जाएगा। पहले ये रिपोर्ट देखिए जरा दिनेश भाई की। असल में अगर आप यहाँ देखें, आज महीने भर से भी कम के समय में हम खड़े हुए हैं। 22 तारीख को जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा है और आज अगर इसको आप खातिर में लाएं कि अब केवल 27 दिन बचे हुए हैं और जो काम आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वो कितना सारा दिखाई दे रहा है अभी जो किया जाना है इससे पहले कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंदिर उस तरीके से तैयार हो, तो अगर आप ये देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कैसे होगा, अगर दिन रात भी किया जाए तो कैसे होगा। लेकिन यही वो चमत्कार है, यही वो एक्स फैक्टर है जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम जाने जाते हैं और लोग ये कह रहे हैं कि जैसे भी होगा लेकिन ये मुमकिन होगा। अब जब तारीखें तय हैं, अब जब पूरे देश को और विश्व को पता है कि ये किस तारीख को होने वाला है तो ये कैसे भी लेकिन मुमकिन होगा। इस समय आप देखें यहाँ पर राम मंदिर का जो फर्स्ट फ्लोर है, आपको नीचे आपको प्लिंथ दिखाई दे रही है, मंदिर की कुर्सी दिखाई दे रही है, उसके नीचे नींव, खुद नींव को बनाने में इतना वक्त लगा क्योंकि पहले तो जो वैज्ञानिक हैं अलग अलग आईआईटीज के, उन्होंने ये कह दिया था कि यहाँ नींव बनाने लायक परफेक्ट जगह नहीं है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर असल में डेब्री है और बालू है और उस पर नींव नहीं खड़ी की जा सकती है, कमजोर होगी। तो वहां पर किस तरीके से आर्टिफिशियली रॉक बनाई गई, उसके ऊपर ये कुर्सी बनाई गई और कुर्सी के ऊपर आप ये फर्स्ट फ्लोर तैयार होता हुआ देख रहे हैं जहाँ रामलला विराजेंगे और उसके ऊपर जो ग्राउंड फ्लोर, माफ कीजिए, और फर्स्ट फ्लोर में राम दरबार होगा और ये अभी बनना जाहिर है। आप देख रहे हैं किस स्टेज में काम है, समय कितना बचा है, काम कितना पड़ा हुआ है, इस अनुपात से अगर आप देखें तो बहुत आगे चुनौतियां दिखाई देती हैं, लेकिन इन्हीं चुनौतियों से पार पाने का ही नाम नरेंद्र मोदी है। राम मंदिर का गर्भगृह जहां रामलला विराजमान होंगे वो भी अब आपको दिखाता हूं। इसी गर्भगृह में 22 जनवरी को रामलला विराजमान होने वाले, जब पीएम मोदी रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, आप गर्भगृह का आकार देखिए, कितना बड़ा गर्भगृह बनाया गया है और बीच में एक विशेष ऊंचा स्थान बनाया गया है जहां रामलला की मूर्ति को रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि गर्भगृह के द्वार पर सोने की परत भी चढ़ाई जाएगी। एक बार जरा इस स्क्रीन पर डालिए ये गर्भगृह की फोटो को, मैं दर्शकों को जरा करीब से दिखाऊं। आप देखिए कितनी शानदार ये तस्वीर है, जरा इसको जूम करके दिखाइएगा, कितना भव्य ये नजर आ रहा है। और अगर आप इसको देखेंगे, जरा जूम कीजिए और जूम कीजिए, ये जो दीवारों पर नक्काशी की गई है, आप ऊपर देखिए जो ये छत है, जबरदस्त नक्काशी नजर आ रही है। ये देखिए इस तरफ, यहां हर तरफ इतना शानदार, इतनी शानदार नक्काशी है। और ये जो आप ऊंचा हिस्सा देख रहे हैं, यहां पर रामलला जो है वो विराजमान होंगे, ये जगह बनाई गई। तो ये गर्भगृह की तस्वीर है और यहां पर आप देखिए ये वो प्लेटफॉर्म है जहां रामलला को विराजमान कराया जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत शानदार है, ये नक्काशी, ये तस्वीरें, ये लाइटिंग। आप जाइएगा गर्भगृह में तो आपको लगेगा कि कुछ भव्य और दिव्य देख रहे हैं, ऐसी व्यवस्था राम मंदिर के गर्भगृह में की गई। गर्भगृह में श्री राम की जो मूर्ति विराजित होगी उसे अयोध्या में ही तैयार किया जा रहा है। गर्भगृह के लिए दरअसल तीन मूर्तियां बन रही हैं। अब सुनिए जरा रामलला की मूर्तियों के बारे में। मूर्तियां श्री राम के कोमल बाल स्वरूप की हैं। मूर्तियों में श्री राम की आयु 5 वर्ष दिखाई गई है, बताया गया है। श्री राम की खड़ी मूर्ति 51 इंच लंबी बन रही है। तीनों मूर्तियों को 3 अलग अलग कारीगर बना रहे हैं।
मूर्तियों के लिए दो पत्थर कर्नाटक से लाए गए हैं और एक पत्थर मकराना से आया है। गर्भगृह के लिए एक मूर्ति का चयन किया जाएगा, यानी तीन मूर्तियां बन रही हैं लेकिन गर्भगृह में एक ही मूर्ति लगेगी। तीनों मूर्तियों को बनाने वाले कारीगर भी कोई साधारण कारीगर नहीं है। कर्नाटक के कारीगर जिन्होंने केदारनाथ में शंकराचार्य की प्रतिमा बनाई है वो एक मूर्ति बना रहे हैं। आपको याद होगा वो जो शंकराचार्य की मूर्ति है जो अभी हाल में नरेंद्र मोदी जी ने जिसका उद्घाटन किया था, वो अपने आप में बहुत शानदार है। तो वो मूर्ति जिन्होंने बनाई है वही अब यहां रामलला की मूर्ति भी बना रहे हैं, वो एक मूर्ति बना रहे हैं। और मकराना पत्थर से बन रही मूर्ति को जयपुर से आए कारीगर बना रहे हैं। तीसरी मूर्ति वो कारीगर बना रहे हैं जिन्होंने इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनाई है। तो सारे वो लोग जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, जिन्होंने शानदार काम किया है, शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि आप रामलला की मूर्ति बनाइए। और तीन मूर्तियां बन रही हैं और उसमें से बेस्ट मूर्ति जो है वो गर्भगृह में स्थापित होगी। अब आपको राम मंदिर के अंदर की कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं। राम मंदिर के अंदर जब आप घुसिएगा तो दीवारों पर, खंभों पर देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई है। देखिए शिव जी दिख रहे हैं, श्री गणेश, महादेव, माता पार्वती, नटराज और भी कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं जो हैं वो आपको अंदर नजर आएंगी। जैसे आप घुसिएगा वैसे आपको ये प्रतिमाएं दिखेंगी। और कई मंदिरों में ऐसा ही होता है। वो जो अपना काशी विश्वनाथ वाला मंदिर है, जो पश्चिमी दीवार है मस्जिद के पीछे वाली, वहां भी तो ऐसी मूर्तियां हैं। आज लोग ज्ञान दे रहे हैं कि अरे ये तो ऐसे ही हमने पीछे की दीवार पे मूर्ति उकेर दी या लगा हुआ मंदिर था तो ये हो गया बॉस। यही सब जगह व्यवस्था रही है। आज कोई माने ना माने कि वहां भी मंदिर था, लेकिन यही तब था और यही आज है और यही अयोध्या में भी हो रहा है। और ये तस्वीरें, ये मूर्तियां इतनी शानदार हैं कि आपका मन मोह लेंगी। मतलब मंदिर के अंदर घुसिएगा तो आप देखते रह जाएगा कि इधर देखें कि उधर देखें, क्योंकि देखिए लाइन तो लगेगी। आप ऐसा नहीं कि जाएंगे और सीधा रामलला के दर्शन कर लेंगे, तो लाइन में भी लगे रहिएगा तो मन आपका जो है वो एकदम लगेगा कि स्वर्ग लोक में। एक से बढ़कर एक शानदार कारीगरी आपको दिखाई देगी। राम मंदिर के स्तंभ भी बेहद खास तरह से बनाए जा रहे हैं। राम मंदिर के प्रथम तल पर, यानी जो फर्स्ट फ्लोर है, कई स्तंभ होंगे जिनकी गिनती 150 से भी ज्यादा होगी। इन सभी पिलर्स पर शानदार नक्काशी की गई है। देखिए ये फर्स्ट फ्लोर का आपको हाल दिखा रहा हूं, वो था आप अंदर घुसे ग्राउंड फ्लोर वाला था, ये फर्स्ट फ्लोर है। स्तंभ और छत के जोड़ पर देवी देवताओं की मूर्तियां इस तरह से बनाई गई हैं कि जोड़ का पता ही नहीं चल पाएगा। सफेद और बलुआ रंग के पत्थरों से इन्हें बनाया गया है और ये अलग ही नजर आते हैं। इस पर फूल, पत्तियां, बेल और सनातन के प्रतीक उकेरे गए। राम मंदिर के काम में लगे कारीगर और मजदूर भी गजब के जोश में काम कर रहे हैं। कोई छुट्टी नहीं ले रहा बॉस, सबका है। जैसे लंका तक जाने के लिए सबने पूरा जोर लगाया था कि लगाना है पत्थर और लंका तक जाना है, वैसे ही अभी राम मंदिर बनाने के लिए हर कोई जोर लगाया हुआ है कि प्रभु श्री राम का काम है भैया, छुट्टी तो लेते रहेंगे। थकान लगने पर श्री राम के लिए सोहर गाते हैं ये लोग। राम मंदिर के निर्माण में लगे कारीगरों का क्या कहना है जरा वो भी सुनिए और समझिए कि अयोध्या में क्या अलग माहौल चल रहा है। बहुत जुनून होती है कि हमारे अंदर की हमारे यूपी में, हमारे देश में एक भावसान मंदिर बन रहा है और हम राम जी का मंदिर बना रहे हैं। हमको ऐसा फील होता है, कभी थकान नहीं महसूस होती। हम 24-24 घंटे ऐसे खड़े रहते हैं, ड्यूटी करते हैं, हमको थकान महसूस नहीं होती। नहीं, हमको लगता है राम करने वाले, अगर थकाए भी महसूस हो तो श्री राम का जयकारा लगा के हम काम उस सीना तान के कर देते हैं। छुट्टी लेने को दिल नहीं कर रहा है, राम जी की कृपा में दिन कैसे निकल रहे मालूम नहीं पड़ रहा है। दिन रात काम, कभी भी काम पर रुक जाते तो दिल नहीं करता घर जाने का, रुके हैं तो बस रुके हैं। 24 घंटा काम करवा लो, 28 घंटा काम करवा लो, कितना करवाना करवा लो, दिल नहीं करता जाने को। बोलना नहीं पड़ रहा है कि आके भाई काम करो, बंदों को हटाना पड़ता है, भाई बस करो, इधर कोई आ रहा है तो उनको थोड़ा जाने दो। लेकिन नहीं, चलना है तो चलना है, काम चलने देना तो चलने देना है। उसमें ये नहीं कोई आ रहा है, बड़ा साहब आ रहा है, कोई बाहर से आ रहा है, कोई भी आ रहा है, लेकिन काम करना तो काम करना है। राम जी की सेवा में लगे तो लगे, कोई थकान नहीं है। शीत मास तिथि नवमी की नौबती जागे हो, ओ राजा जन में है दशरथ चारी, लाल समय बड़ी मंगल समय बड़ी मंगल हो। सब कोई सुनी अवधिया में देव पुष्प बरसावे हो, सारे देव धनुज सब धाम।
आवे अवधपुर आवे हो। बोलिए भारत माता की। माहौल देख रहे हैं बॉस, कभी आपने देखा है कि इस तरह से कहीं काम चल रहा हो और जो मजदूर है, जो कारीगर है, वो सोहर गा रहे हैं, वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। कोई ये लोग काम नहीं कर रहे हैं बॉस, सब प्रभु श्री राम की सेवा में लगे हुए हैं, ऐसा भाव है वहां। ये भी विपक्ष को नहीं दिखता बॉस, उसके बावजूद विपक्ष सोचिए क्या कर रहा है। राम मंदिर की और तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि राम मंदिर कितने बड़े स्केल पर बन रहा है। मंदिर की कुछ अहम जानकारियां आपको बताता हूं, अच्छा आगे बताऊंगा कि विपक्ष भी क्या कर रहा है। लेकिन देखिए, राम मंदिर की लंबाई ही 380 फीट और मंदिर की चौड़ाई 250 फीट, जबकि ऊंचाई 161 फीट रखी गई है मंदिर की। मंदिर में कुल 392 स्तंभ होंगे, मंदिर में 3 फ्लोर बनाए जाएंगे और तीनों फ्लोर की ऊंचाई 20-20 फीट रहेगी। 44 कपाट होंगे मंदिर के, 5 मंडप बनना है मंदिर के अंदर, 5 उपशिखर बनने हैं। एक उपशिखर है मंदिर के प्रवेश पर, 32 सीढ़ियां हैं। मंदिर में 7 ध्वज स्तंभ भी लगेंगे, जो मैंने आपको नहीं दिखाया था कि बहुत लंबे लंबे स्तंभ बन रहे थे, वो स्तंभ भी लगेंगे। इसके अलावा अयोध्या में जगह जगह पर सूर्य स्तंभ लगाए जा रहे हैं। भगवान राम सूर्यवंशी थे, सूर्यवंश को समर्पित सूर्य स्तंभ 32 फीट ऊंचे बनाए जा रहे हैं। ये देखिए सूर्य स्तंभ लगे हुए हैं। राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का काम लगभग पूरा हो गया है, ग्राउंड फ्लोर पर ही गर्भगृह है। ग्राउंड फ्लोर की सीलिंग यानी छत से कैसी दिखती है, दिखता है अंदर का नजारा, अब आपको वो दिखाता हूं। मंदिर की छत जो है ये देखिए, बेहद शानदार छत बनाई गई है। मैंने आपको कहा ना कि राम मंदिर की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाऊंगा। 25 दिन पहले, उद्घाटन के 25 दिन पहले देखिए वहां अंदर जो लोग जाएंगे उनको क्या दिखेगा। छत चक्राकार है, यानी गोल चक्र की तरह इसको बनाया गया है, जिसमें 4 लेयर हैं। हर लेयर पर देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई, देख रहे हैं गोल वाला बीच में, फिर एक लेयर, फिर एक लेयर, फिर एक लेयर, फिर एक लेयर, 4 लेयर देवी देवताओं की मूर्तियों की। छत के केंद्र में छोटा सा झूमर जैसी आकृति दिखाई दे रही है। आप मंदिर की दीवारों पर लगे पत्थरों की नक्काशी देखिए, कितनी बारीकी से शानदार नक्काशी पत्थरों पर की गई है। मतलब दीवार हो, पिलर हो, छत हो, आप देखिए ना बॉस, गजब काम हुआ है। मेहनत दिख रही है, वो भावना दिख रही है कि कैसे अयोध्या जाकर प्रभु श्रीराम का कोई दर्शन करे, उनके उनके मंदिर में पहुंचे तो उसका मन जो है ना एकदम झकझक हो जाना चाहिए। हमारे सहयोगी दिनेश गौतम तो वहां गए हुए हैं, वहां पे ऐसे बहुत रिपोर्ट भेजे, एक रिपोर्ट और देखिए फिर आगे की बात बताता हूं। यहां अगर आप देख रहे हो तो ये है राम जन्मभूमि में बनता हुआ मंदिर, लोगों का होता हुआ वो सपना साकार जिसके लिए शताब्दियों ने संघर्ष किया है। और ये अभी जिस स्वरूप में दिख रहा है आपको, और आज अगर आप तारीख देखें और 22 तारीख के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें तो आपको ये लग सकता है कि क्या उस समय तक, डेडलाइन तक वो तमाम चीजें हो जाएंगी, प्राण प्रतिष्ठा के दिन तक जिन तमाम चीजों को संपूर्ण हो जाना चाहिए। मैंने किसी से ये बात की तो उसने रामचरित मानस की चौपाइयों को उद्धृत किया, उसने कहा ताकहा प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़वा नलही जारी सकई खल तूल। मतलब ये कि अगर रामचंद्र जी का हाथ सिर पर है तो फिर कौन सी वो डेडलाइन है जो अचीव नहीं की जा सकती। और एक बात जो मैंने यहाँ पर मजदूरों से लेकर प्लानर्स से लेकर एग्जीक्यूशनर्स तक तमाम लोगों से बात करते हुए महसूस की, इंजीनियर से बात की मैंने, श्रमिकों से बात की, श्रमिकों से बात करने कीजिए आप तो वो रामचंद्र जी के गीत गाने लगते हैं, रामचंद्र जी के जन्म के समय, क्योंकि यहाँ रामलला विराजने वाले हैं तो उनके समय जन्म के समय जो सोहर गाए गए होंगे वो सोहर गाने लगते हैं। वो कहते हैं हमको ये काम नहीं लगता, हमको ये उत्सव लगता है, हमको ये उत्साह लगता है, इसलिए हम इस बात को असल में कभी महसूस ही नहीं करते कि हम थक गए हैं या तुमको हमको थोड़ा सा विश्राम चाहिए। और खास तौर से वो ये कहते हैं, किसी ने कहा कि जब प्रधान सेवक की तरफ से हम ये सुनते हैं कि राम काज किन्हें बिना मोहि के कहां विश्राम, और हनुमान जी बहुत पहले कह गए थे, तो हमको लगता है कि हमारी भूमिका तो उन लोगों की श्रेणी में आने वाली है जिसमें नल नील को शामिल किया गया था। हम भी अपना पत्थर रख रहे हैं, राम काज के लिए रख रहे हैं, तो फिर इसमें थकान कैसी। यहां पर लोगों से लेकर यहां होने वाले निर्माण कार्य तक, यहां लोगों के समर्पण तक, उनकी उत्साह, उनकी ऊर्जा तक, हर कुछ आपको अद्वितीय लगता है जब यहां आकर आप उनसे मुलाकात करते हैं और इस जगह होने वाले निर्माण कार्य को देखते हैं। तो इतना उत्साह तो होगा ही ना भाई, सबको लग रहा है कि हम इतिहास में दर्ज हो रहे हैं, ऐसा ऐतिहासिक काम हो रहा है। राम मंदिर के काम में लगे मजदूरों का उत्साह देखिए, कोई छुट्टी लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो। 22 जनवरी से पहले 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या आएंगे। अयोध्या में मंदिर के साथ साथ कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें से एयरपोर्ट का उद्घाटन पीएम मोदी
30 दिसंबर को करने वाले हैं। 30 दिसंबर को अयोध्या में पीएम मोदी रोड का रोड शो भी होने वाला है। 25 दिन बाद यानी 22 जनवरी को जब पीएम मोदी उस राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो पूरी अयोध्या जश्न मनाएगी। लेकिन पाठशाला की अब दूसरी क्लास में आपको बताऊंगा कि मोदी श्री राम को मंदिर लाएंगे लेकिन राहुल गांधी मोदी को 400 सीट जिताने के लिए जाएंगे। राम मंदिर पर विपक्ष की नई तकलीफ सुनेंगे तो कैसे माथा पीट लेंगे। मोदी के राम मोदी का काम वर्सेस राहुल गांधी की नई यात्रा का चैप्टर खोल रहा हूं। और यह भी बताऊंगा कि सोनिया के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी को क्या सबूत मिला है। एक तरफ नरेंद्र मोदी और उनकी टीम हर मोर्चे पर तैयारी कर चुकी है, दूसरी तरफ कांग्रेस और विपक्ष है जो विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अभी तक कोई प्लान नहीं बना पाया। प्लान बनाना भी तो क्या ही बनाएंगे बॉस, प्लान बनाए तो क्या बनाए, सुनिएगा तो माथा पीट लीजिएगा। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में थोड़ी बहुत जो हलचल हुई, थोड़ा बहुत जो मंथन हुआ, उसको बहुत निचोड़े तो क्या निकाल पाए कि राहुल गांधी को एक और यात्रा कर लेनी चाहिए। ये कुछ नहीं कर पा रहे बॉस, इंडी गठबंधन का हाल आप देख रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी बहुत सोच पाती है, माथा का बाल नोच लेती है, सिर रगड़ लेती है, सब मिलके बात भी कर ले तो क्या कर पाए राहुल गांधी एक और यात्रा करें। किसी को इस बात से मतलब नहीं कि राहुल गांधी की पिछली यात्रा से हुआ क्या, हासिल क्या हुआ, राहुल गांधी की पिछली यात्रा से कुछ फायदा हुआ भी कि नहीं हुआ, लेकिन राहुल गांधी की ब्रांडिंग के लिए फिर से नई यात्रा का ऐलान कर दिया गया। यहां पार्टी जो है वो पैसा मांग रही है पब्लिक से कि आप दान दीजिए, कांग्रेस के 138 साल हो रहे हैं, अब पैसा लग रहा है राहुल गांधी की ब्रांड इमेज बनाने में, राहुल गांधी यात्रा पे निकले। 2024 के चुनाव से पहले राहुल गांधी की एक और यात्रा का ऐलान हो गया है, रूट तय हो गया है, पूरी प्लानिंग फिक्स कर दी गई है। अब इसके बारे में सुनिएगा तो आपको लगेगा कि राहुल गांधी अपनी यात्रा करने जा रहे हैं या नरेंद्र मोदी को 400 सीट जिताने जा रहे हैं, समझ में नहीं आएगा। कांग्रेस अपने सारे संसाधन इसमें झोंकने को तैयार हो गई है। यह सब तब हो रहा है जब इंडी गठबंधन के खुद के लोग भी राहुल गांधी पर दाव लगाने के लिए तैयार नहीं। मैं ममता बनर्जी केजरीवाल जैसे नेता तो मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर रहे हैं, उनमें से कौन राहुल गांधी पर दाव लगा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी राहुल गांधी का नाम जप रही है। लेकिन कांग्रेस की सुई राहुल गांधी पर ही अटकी हुई है, ये बढ़ नहीं पाएंगे उससे आगे भाई। लेकिन आप देखिए क्या अद्भुत है, इनके हिसाब से तो बहुत अद्भुत कर रहे हैं, क्या अद्भुत कर रहे हैं भाई, राहुल गांधी की एक नई यात्रा लेकर आए हैं, बस नाम बदल दिया है। राहुल गांधी ने पिछली बार क्या किया था, राहुल गांधी ने पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, अब इसका नाम बदलकर ये लोग भारत न्याय यात्रा कर दी है। ये यात्रा 14 जनवरी से 20 मार्च यानी कुल 67 दिनों की यात्रा होगी जिसमें 6200 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। यानी जिस वक्त देश राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का गवाह बनेगा, लोग प्रभु श्री राम के लिए अपना प्राण देने को तैयार होंगे, उस वक्त राहुल गांधी एक सियासी यात्रा चला रहे हैं। अलग ही लेवल पर इनका काम चलता है। यात्रा 14 राज्यों के 85 जिलों से होकर निकलेगी। यात्रा की शुरुआत ये लोग मणिपुर से करेंगे और मुंबई में यात्रा को खत्म करेंगे। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी की यात्रा उनकी पिछली यात्रा से अलग होगी। भाई क्या क्या अलग है, एक तो नाम ही बदल दिए तो बहुत अलग कर दिए, गजब कर दिए बॉस। लेकिन अब जो ये भारत न्याय यात्रा निकलेगी, कांग्रेस कह रही है कि दोनों यात्रा का मकसद ही अलग है। पहले भारत जोड़ो यात्रा भारत को जोड़ने के लिए निकाली गई थी, इस बार आर्थिक सामाजिक राजनीतिक न्याय के लिए राहुल गांधी यात्रा निकाली, तो मतलब पिछला जोड़ दिए, भारत जुड़ गया है अब वो पता नहीं, लेकिन अब ये न्याय दिलाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा 145 दिन चली थी, भारत न्याय यात्रा 67 दिन चले। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 3500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय हुई थी, इस बार 6200 किलोमीटर का टारगेट रखा गया। भारत जोड़ो यात्रा में 12 राज्य कवर हुए थे, इस बार 14 राज्य कवर करने का प्लान बनाया। यात्रा का तरीका भी अलग होगा, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी पैदल चले थे, इस बार यात्रा होगी बस से। कांग्रेस ने बताया कि यात्रा में कुछ हिस्से पैदल भी कवर किए जाएंगे। जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की तो कांग्रेस ने राहुल गांधी की जबरदस्त मार्केटिंग की, भाई मोहब्बत की दुकान निकालने चले हैं, देश को जोड़ रहे हैं। कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस को कॉन्फिडेंस भी था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर आने वाले चुनाव में दिखेगा, लेकिन विधानसभा चुनावों में आया नतीजा बताता है कि भारत जोड़ो यात्रा का वैसा फायदा कांग्रेस को हुआ भी नहीं जिसकी बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस करती रही। जैसे अगर आप देखेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा जो रही उसका परफॉर्मेंस क्या रहा, उसका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, भारत जोड़ो यात्रा इसका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है भाई, तेलंगाना यहां देख लीजिए, तेलंगाना में
सीट कवर की, सीट कवर की इस यात्रा ने कितनी, 29 सीट पर सीट से होकर यह यात्रा गुजरी। जीते कांग्रेस जीते कितनी सीटें इनमें से, 12। यानी अगर तेलंगाना के लिए जीत का प्रतिशत निकालिएगा, जीत परसेंट, तो वो कितना बैठता है, मात्र 41%। तो बॉस इतना पैसा लगाए, इतना ताम झाम किए 40% जीत जीतने के लिए। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा कितनी सीट से होकर गुजरी, 21 सीट से होकर गुजरी। कांग्रेस पार्टी जीती कितनी इसमें से सीट, मात्र 4 सीट। यानी जीत का प्रतिशत कितना रहा, 19% बॉस, 19% इसके लिए इतना। राजस्थान से देखिए, जहां से यह यात्रा होकर गुजरी, राजस्थान में यात्रा 12 सीट से होकर गुजरी। यहां इनको कुछ फायदा तो हुआ ऐसा लगता है, 9 सीट पर इनको जीत मिली। यहां पर इनका विनिंग परसेंटेज 75% रहा, जहां पर इनकी सरकार, लेकिन वो सरकार भी चली गई। गुजरात में जब चुनाव हुए थे तो सुपड़ा साफ हो गया था। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कोई बहुत तोप नहीं थी, लेकिन आप देखिए कि उसके बाद भी ये लोग एक नई यात्रा लेकर आए। राहुल गांधी जनवरी से मार्च तक यात्रा करेंगे, ये वो वक्त है जब देश में लोकसभा चुनाव का माहौल चरम पर पहुंच चुका होगा। इसलिए कांग्रेस ये उम्मीद लगाकर शायद बैठी है कि राहुल गांधी की यात्रा का फायदा लोकसभा चुनाव में मिलेगा। राहुल गांधी की यात्रा का अगर पॉलिटिकल रूट देखें तो यात्रा की शुरुआत ये लोग मणिपुर से करेंगे। मणिपुर में जातीय हिंसा के मुद्दे को राहुल गांधी ने जोर शोर से उठाया था। राहुल गांधी इसी साल जून में मणिपुर के राहत शिविरों में गए थे, जब राहुल गांधी मणिपुर से यात्रा शुरू करके एक बार फिर सबका ध्यान मणिपुर की तरफ शायद खींचना चाहते। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा जिन 14 राज्यों से निकलेगी उसमें मणिपुर भी है, उसमें नागालैंड भी है, असम भी है, मेघालय भी है, बंगाल है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है और महाराष्ट्र शामिल है। इन 14 राज्यों में से 10 राज्यों में बीजेपी या बीजेपी गठबंधन की सरकार है। राहुल गांधी की यात्रा बंगाल से भी गुजरेगी, वहां ममता बनर्जी की सरकार है जो इंडी गठबंधन में शामिल है। इसलिए नजर इस बात पर भी रहेगी कि बंगाल में राहुल गांधी की यात्रा को कितना सपोर्ट मिलता है, क्योंकि राहुल गांधी और ममता बनर्जी का टकराव किसी से छिपा नहीं है। और राहुल गांधी क्या बंगाल में जाके बताएंगे कि आपको यहां न्याय नहीं मिल रहा है? सभी राजनीतिक दल ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि राजनीति में नारे और नाम की अपनी अहमियत है, क्योंकि कई बार कुछ नारे या टैगलाइन वोटर के दिमाग में एकदम बस जाता, सेट हो जाता है। जैसे 2014 में नरेंद्र मोदी ने अपने प्रचार के दौरान अच्छे दिनों का नारा दिया था, जो हिट रहा। फिर 2019 के चुनाव में अब की बार फिर से मोदी सरकार का नारा दिया, या मोदी है तो मुमकिन है जैसे नारे दिए गए, वो भी सुपर हिट रहे। इस बार विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी वाली टैगलाइन हिट रही, लेकिन अब कांग्रेस ने राहुल गांधी की यात्रा को भारत न्याय यात्रा का नाम दिया है, जबकि न्याय शब्द के साथ कांग्रेस का एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी 2019 में फेल हो चुका है। चुनाव 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने तब नारा दिया था कि अब होगा न्याय, तो वो तो न्याय वाला नारा ऑलरेडी फेल हो गया। पब्लिक ने आपको न्याय तो आपके साथ किया, आपकी सीटें कितनी दी आपको पता है, लेकिन ये लोग फिर वही घिसा पिटा ले आए, वही राहुल गांधी, वही यात्रा, वही घिसा पिटाना। इसलिए कई लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा के नाम में न्याय जोड़ दिया गया है, कहीं इस बार भी कांग्रेस का 2019 वाला हाल ही ना हो। राहुल गांधी की नई यात्रा के प्लान पर बीजेपी नेता भी चुटकी ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि न्याय यात्रा निकालकर ये कौन सा तीर मार लेंगे, सुनिए गिरिराज सिंह। वो न्याय यात्रा निकालें, पार्थ यात्रा निकालें, ज्ञान यात्रा निकालें, ये जो यात्रा निकालना हो वो यात्रा निकाल लें, अच्छा हो ज्ञान यात्रा निकाल लें। जब वो भारत यात्रा खत्म किए थे तो सारे चुनाव में जीत हार गए थे, अब न्याय यात्रा पर निकलेंगे तो कौन सा तीर मार लेंगे। लेकिन राहुल गांधी की टीम तो उन्हें जननायक बताने में लगी है। राहुल गांधी की नई ब्रांडिंग के लिए अलग अलग मुद्दों से उन्हें जोड़ा जा रहा है। अब आजकल पहलवानों का मामला चल रहा है, तो राहुल गांधी सुबह सुबह अचानक पहलवानों से मिलने पहुंच गए। अच्छा, नरेंद्र मोदी कहीं जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ कैमरा चला जाता है तो ये लोग कहते हैं ए देखिए मोदी जी कैमरा लेके चलते हैं। ये कहीं किसान के पास जाएं, पहलवान के पास जाएं, इनके साथ कैमरा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। राहुल गांधी हरियाणा के झज्जर के गांव में पहुंचे, वहां अखाड़े में ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया के साथ उतर गए। तो आज राहुल गांधी जो है वो पहलवान बने। बजरंग पुनिया के साथ मैट पर ही कुश्ती की, पहलवानों से कुश्ती खेलने की टेक्निक सीखे। राहुल गांधी ने पहले
पहलवानों से उनके डेली रूटीन के बारे में भी पूछा। पहलवान कहां रहते हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं और क्या खाते पीते हैं, सब कुछ उन्होंने नजदीकी से देखा। शायद उनको लग रहा होगा कि सियासी दंगल में भी हो सकता है वो बीजेपी को इसी तरह से पटकन ही दे पाए। राहुल गांधी ने पहलवानों के साथ कुश्ती को लेकर चल रहे विवाद पर भी बात की। राहुल गांधी ने उनसे कहा कि सरकार को खिलाड़ियों की बातें सुननी चाहिए। पहलवानों से मिलने के बाद राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। इससे पहले प्रियंका वाड्रा भी पहलवान साक्षी मलिक से मिलने गई थी। एक तरफ कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की ब्रांडिंग में लगी है, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी के करीबी ही सारी कसरत बेकार कर देते हैं। जैसे राहुल गांधी के करीबी नेता हैं सैम पित्रोदा, राम मंदिर की तैयारियों से इनको दिक्कत हो रही है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि हम चौराहे पर और भारत के लोगों को तय करना होगा कि वे किस तरह का राष्ट्र बनाना चाहते हैं। क्या वे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, क्या वे एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जो वास्तव में धर्मनिरपेक्ष और ग्रामीण हो, जिसमें समावेश, विविधता और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित हो। हां बॉस, जरा सा एक राम मंदिर बन जाएगा तो भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। और इफ्तारी की पार्टियां खाने में नेता जब टोपी लगा लगा के जाते थे तब देश जो है वो सेक्युलर होता था। सैम पित्रोदा की इस बात से भी परेशानी है कि भारत में धर्म को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो बोलते ना बॉस राहुल गांधी को कि अचानक 2014 के बाद उनको क्यों याद आया कि वो जनेऊधारी हैं, क्यों मंदिर जाने लगे। सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि भारत में धर्म को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, जबकि ये निजी विषय है, इसे राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। जब आप लोग कहते हैं कि इस देश में मुसलमान डरा हुआ है तब धर्म को महत्व नहीं देते हैं, तब वो निजी मुद्दा नहीं रह जाता है। जब बाबरी मस्जिद को लेकर बहुत तकलीफ थी लोगों के दिलों में कि भाई बाबरी मस्जिद जो है वो नहीं टूटनी चाहिए, भले वहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ हो, तब धर्म की बात नहीं हो रही थी। अब राम मंदिर बनने लगा तो इनको धर्म दिखने लगा। सैम पित्रोदा को तो इस बात से भी परेशानी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर क्यों जाते हैं। सैम पित्रोदा का कहना है कि प्रधानमंत्री अपना समय मंदिरों में बिता रहे हैं, इससे उन्हें परेशानी है। एक बार सुनिए सैम पित्रोदा जी को। When nation is all involved in Ram temple, Ram mandir, diya jalao, okay, that bothers me. To me, religion is a personal thing. Don't confuse it with national agenda. Health, environment, pollution, uski to baat hoti nahi hai. Baat hoti hai Hindu temple ki, baat hoti hai Ram Bhagwan ki. This is not how you build a modern nation. मुझे धर्म से कोई दिक्कत नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि धर्म रखिए लेकिन उसको पॉलिटिक्स में मत लगाइए। तो राम मंदिर बन जाना पॉलिटिक्स हो जाता है, लेकिन राम मंदिर इतने सालों तक न बनना और नेताओं की वजह से न बनना, राम का अस्तित्व पूछा जाना, यह सब पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है। कमाल की बात यह है कि जिन लोगों के नाम में राम है उन्हें ही राम मंदिर से सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। जैसे सीपीएम नेता सीताराम येचुरी, इन्हें न्योता आया तो कह रहे हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। नाम में सीताराम यह है, सीताराम येचुरी, लेकिन राम मंदिर को लेकर ऐसी बातें करते हैं। ऐसे ही सैम पित्रोदा के नाम में भी राम है लेकिन उन्हें भी राम मंदिर से परेशानी हो रही है। अब आप कहेंगे इनका नाम तो सैम पित्रोदा है, ये राम कहां से आया? बॉस आपको पता ही नहीं है भाई साहब कौन है। सैम पित्रोदा का पूरा नाम क्या है मैं आपको बताता हूं, जिन्हें आप जानते हैं कि ये भाई साहब हैं सैम पित्रोदा, इनका आप यही ना नाम जानते हैं, यही नाम सुने होंगे। इनका नाम क्या है? इनका असल नाम है सत्य नारायण गंगाराम, इनके भी नाम में राम है, सत्य नारायण गंगाराम पित्रोदा। तो ये भाई साहब वो हैं जिनका नाम है सत्य नारायण गंगाराम पित्रोदा और भाई साहब जो है वो बुलाए जाते हैं सैम पित्रोदा। अब आप सोचिए, जिसने अपने नाम से सत्य नारायण गंगाराम को ही साइड कर रखा है, सत्य नारायण गंगाराम से सैम हो चुका है, वो कितना हिंदू धर्म से लगाव रखता होगा? वो नाम ही नहीं कैरी कर पा रहा है, वो क्या अपना धर्म कैरी करेगा बॉस? और हमने सैम पित्रोदा की वेबसाइट पर जब उन्हें दिए गए अवार्ड को देखा, हमको भी लगा कि बॉस ऐसा कैसे सैम पित्रोदा हो गए सत्यनारायण, तो देखा कि उसमें उनका पूरा नाम लिखा हुआ है।
सैम पित्रोदा कई बार खुद के बैकग्राउंड के बारे में बता चुके हैं, जिसके मुताबिक ये देखिए ना अवार्ड में लिखा है ना श्री सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, अवार्ड में नाम वही लिखा है। सैम पित्रोदा के पिता बढ़ई हुआ करते, गुजरात के टिटलागढ़ में सैम पित्रोदा का जन्म हुआ था। सैम पित्रोदा खुद कहते हैं कि वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो बॉस नाम रखते ना सत्यनारायण गंगाराम, कितना शानदार नाम था। इनको लग रहा होगा कि टाई लगाऊंगा, कहूंगा कि आई एम सत्यनारायण गंगाराम, तो मजा नहीं आएगा बॉस। हम यहां ऐसे दिल में लेके चलिए, उसमें कुछ छुपाने जैसा नहीं होता है। खैर जो अपनी उनकी कोई वजह होगी मुझे नहीं पता, लेकिन असल नाम जो है वो ये है। पाठशाला में अब जम्मू कश्मीर से आतंक और आतंकियों के सफाए का चैप्टर, मोदी के मंत्री बॉर्डर पर पाकिस्तान में फिर घुसने की तैयारी हो रही है क्या? सैनिक के बलिदान का बदला, मोदी पाकिस्तान को फिर ठोकने वाले हैं क्या? कश्मीर से आ रही सबसे बड़ी खबर का चैप्टर। पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ी हलचल, दो दिन पहले आर्मी चीफ जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर गए। आप सोच रहे हैं सेना प्रमुख जा रहे हैं, रक्षा मंत्री जा रहे हैं जम्मू कश्मीर। रक्षा मंत्री जम्मू कश्मीर के उस राजौरी पुंछ इलाके में पहुंचे जहां कुछ दिन पहले आतंकी हमला हुआ था और वहां हमारे 4 जवान शहीद हुए थे। राजौरी पुंछ वो इलाका है जहां पर पिछले कुछ अरसे में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं। जम्मू कश्मीर में पहले आतंकवादी खासतौर पर दक्षिणी कश्मीर में एक्टिव होते थे, अब आतंकियों ने अपनी गतिविधियां शिफ्ट करके राजौरी और पुंछ के इलाकों में कर लिया है, इसलिए अब एनकाउंटर और आतंकी हमले की ज्यादातर घटनाएं इसी इलाके में हो रही हैं। इस इलाके में चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन सेना आतंकवादियों के सफाए में जुटी है। पुंछ के आतंकी हमले के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए पहुंचे और उन्होंने राजौरी पुंछ जाकर ऐसे संकेत दे दिए जिससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान पर फिर से नरेंद्र मोदी सरकार कुछ बड़ा एक्शन लेने वाली है क्या? पहले सुनिए आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा है, फिर आपको बताता हूं कि क्या पाकिस्तान की ठुकाई होने वाली है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जो भी आवश्यक और जो भी उचित कदम है वह उठाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हमारे लिए हर सैनिक बेहद महत्वपूर्ण है और हमारा एक सैनिक मैं मानता हूं वो हमारे परिवार के सदस्य के समान है। यह हम सबके अंदर यह भावना रहती है, सारे देशवासियों के अंदर यह भावना रहती है और आपके ऊपर कोई नजर डाले तो सचमुच यह हम सबको कतई बर्दाश्त नहीं है, मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं। पाकिस्तान पर बड़े एक्शन लेने वाले संकेत इसलिए लग रहे हैं लोगों को क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने पूरा जोर लगा दिया है। लोकसभा चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है तो पाकिस्तान भी फड़फड़ा रहा है, उसको लग रहा है कि किस तरह से माहौल खराब किया जाए। और जब भी भारत में चुनाव करीब आता है कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ जाती, इस बार भी ऐसा हो रहा है। पुंछ में जो हमला हुआ था उसमें जो क्रूरता दिखी थी उसके बाद सैनिकों के शहादत का बदला लेने की मांग भी हो रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 21 दिसंबर को शाम करीब 4:45 बजे आतंकियों ने घात लगाकर सेना की 2 गाड़ियों पर हमला किया। हमले की चपेट में आई सेना की गाड़ियां एक ऑपरेशन के लिए निकली थी जो इलाके में संदिग्ध आतंकियों की जानकारी मिलने के बाद 21 दिसंबर की सुबह ही शुरू किया गया था। इस दौरान पुंछ के डेरा गली इलाके में आतंकियों ने अचानक गोलाबारी शुरू करी। पहाड़ी पर घात लगाकर बैठे आतंकियों ने पहले ग्रेनेड दागे, फिर अंधाधुंध गोलियां बरसाई जिसकी वजह से 2 जवानों के पार्थिव शरीर इस हालत में थे कि पहचानना मुश्किल हो गया, जिसमें सेना के 4 जवान शहीद हुए और 3 जवान घायल हो गए। पुंछ में हुए इस कायराना आतंकी हमले के बाद से ही सेना लगातार आतंकियों की तलाश में जुटी। डेरा की गली और पुंछ के जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। पुंछ में जिस जगह आतंकी हमला हुआ था सेना ने उसके आसपास के पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी, ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है और साथ साथ हेलीकॉप्टर और ड्रोन से भी जंगलों में आतंकियों की तलाश की जा रही है। और सेना का यह रूप कोई नया नहीं है, जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं उन्होंने सेना को खुली छूट दे रखी है, सामने चीन है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान का टेररिस्ट है, मारो छोड़ो मत। पुंछ में हुए आतंकी हमले में जिन जवानों ने शहादत दी थी उनमें उत्तराखंड में कोटद्वार के रहने वाले सिपाही गौतम कुमार, उत्तराखंड में ही चमोली के रहने वाले नायक बीरेंद्र सिंह, यूपी में कानपुर के रहने वाले नायक करण कुमार और बिहार के नवादा में रहने वाले राइफलमैन
चंदन कुमार शामिल। अपने जवानों को खोने के बाद सेना ने जब आतंकियों के सफाए वाले एक्शन शुरू किए, आतंकवादियों की तलाश में पूछताछ शुरू की, आतंकवादियों के सपोर्ट सिस्टम को तोड़ना शुरू किया, तो नया विवाद उठ गया। सेना पर ही आरोप लग गया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 नागरिकों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल हुए। इस घटना के विरोध में कुछ लोग सड़कों पर आए। इलाके के लोगों ने आरोप लगाया कि मारे गए लोगों को सुरक्षा बलों ने पूछताछ के लिए उठाया था। हालांकि नागरिकों की मौत के मामले में सेना ने बिना देर लगाए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश भी दे दिए। आज कश्मीर दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राजौरी के अस्पताल में भर्ती घायल नागरिकों से भी मुलाकात की। राजनाथ सिंह ने इस घटना में मारे गए लोगों के परिवार से भी मुलाकात की और पूरी मदद का भरोसा दिया। साथ ही राजनाथ सिंह ने सेना को भी ऐसे मामलों में अलर्ट रहने की नसीहत दी और कहा कि सुरक्षा के साथ ही लोगों का दिल जीतना भी जरूरी है। एक बार रक्षा मंत्री को सुनिए। आप सभी इस देश के रक्षक हैं। देश की रक्षा के साथ साथ मैं आप लोगों से विशेष आग्रह करना चाहता हूं, देश की रक्षा की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है, लेकिन इस देश की रक्षा के साथ साथ अपने देशवासियों का दिल जीतना, यह भी आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है। मैं जानता हूं ये सब दृष्टि से भी आप लोग अपनी तरफ से प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी चूक होती है, प्रयत्न ही होना चाहिए। इस प्रकार की चूक न होने पाए जिससे कोई भारतवासी आहत हो। नागरिकों को लेकर तो पूरी संवेदना और सावधानी हमेशा रखी जाती, फिर भी अगर कहीं कोई चूक हो या उसकी बात भी हो तो उसकी जांच भी होती। लेकिन ऐसे विवाद उठने का मतलब यह नहीं कि आतंकवाद का खात्मा करने वाले मिशन पर कोई असर पड़ेगा। इसका मतलब यह भी नहीं कि आतंकवादियों पर किसी तरह की रहम होगी। इसका मतलब यह नहीं कि आतंकवादियों के हमदर्दों पर कोई रहम होगा। एक तरफ रक्षा मंत्री ने जम्मू कश्मीर जाकर आतंकवाद के सफाई का संकल्प लिया, तो आज ही गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में मुस्लिम लीग के गुट पर बैन लगा दिया। गृह मंत्रालय ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर के मसरत आलम ग्रुप पर बैन लगा दिया। मसरत आलम अलगाववादी है और इस वक्त जेल में है, तो इस पर बैन लग गया है। मुस्लिम लीग मसरत आलम ग्रुप को यूएपीए के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया है। इस संगठन पर कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। इस संगठन पर आरोप है कि यह आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करता है और कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए उकसाता है लोगों को। गृहमंत्री अमित शाह ने साफ कहा है कि देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। यानी ना तो आतंकियों पर रहम होने वाला है, ना आतंकियों के हमदर्दों पर, और ना ही आतंकियों का समर्थन करने वालों पर। आतंकवाद की कमर तोड़ी जाती रहेगी, यह नरेंद्र मोदी सरकार का मैसेज एकदम क्लियर है। ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे आतंक के खात्मे वाले मिशन पर कोई असर पड़े, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सेना के सामने खास तौर पर राजौरी पुंछ इलाके में बड़ी चुनौती है। राजौरी पुंछ इलाके को आतंकवादियों ने अपना नया अड्डा बना लिया है। दरअसल साल 2020 के बाद राजौरी और पुंछ में अचानक आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी। जम्मू कश्मीर में इस साल आतंकी हमलों में करीब 125 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। इनमें से 40% से ज्यादा आतंकी हमले राजौरी और पुंछ जिलों में। राजौरी और पुंछ की भौगोलिक और सामाजिक स्थितियां आतंकियों को रास आ रही है। एलओसी से सटे हुए राजौरी और पुंछ के उत्तर में पीर पंजाल के पहाड़ है। पुंछ की सीमा कश्मीर घाटी के उरी, गुलमर्ग और शोपियां के साथ मिली हुई है। दूसरी तरफ राजौरी की सीमाएं शोपियां और कुलगाम से लगती है। ऐसे में माना जा रहा है कि कश्मीर घाटी में आतंकियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन ऑल आउट से बचने के लिए आतंकी अब राजौरी और पुंछ का रुख कर रहे हैं, क्योंकि वहां घना जंगल है तो उनको लगता है वहां छुपने में आसानी होगी। दूसरा, साउथ कश्मीर में डेवलपमेंट इतना तेजी से हो रहा है कि इनको वहां वैसा समर्थन नहीं मिल रहा। इसके साथ ही आर्टिकल 370 हटने के बाद से कश्मीर में लोगों का नजरिया बदला है और आतंकियों के मददगारों की संख्या घटी। ऐसे में कश्मीर में आतंकियों को छुपने के लिए सुरक्षित ठिकाने नहीं मिल पा रहे। इसके अलावा राजौरी और पुंछ में घने जंगल, नाले और पहाड़ एलओसी तक फैले हुए हैं। इससे आतंकियों के लिए सेना पर घात लगाकर हमला करने के बाद भागने में उन्हें मदद मिलती है। अब पुंछ में जिस जगह आतंकी हमला हुआ उस जगह के लोकेशन को ही आप देख लीजिए, आतंकी पहाड़ी में घात लगाकर बैठे हुए थे और जैसे ही सेना की गाड़ियां गुजरी उन्होंने गोलाबारी शुरू कर दी। देखिए ये ऊपर पहाड़ दिख रहा है ना, तो ये लोग ऊपर बैठे हुए हैं, जंगल है और वहीं से हमला कर रहे हैं। राजौरी पुंछ वो इलाका है जिसके रास्ते पहले आतंकवादी जम्मू कश्मीर में घुसते थे, लेकिन अब जब यही आतंकवादियों ने अड्डा बना लिया तो सेना के लिए चुनौती भी बढ़ गई, क्योंकि इस इलाके में घने जंगल, नाले और पहाड़।
ऐसी विषम परिस्थितियों में सेना काम करती है और पुंछ जैसी कुछ घटनाओं में विवाद होता है तो कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता एकदम कूद के निकल आते हैं, कहते हैं कि कश्मीर के मामले में पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला तो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान से बात नहीं हुई तो कश्मीर का हाल गाजा और फिलिस्तीन जैसा हो जाएगा। सुनिए जरा एक बार इनको। मैंने हर बार यह कहा है, वाजपेयी जी ने जो कहा था कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। अगर हम पड़ोसियों के साथ दोस्ती में रहेंगे तो दोनों तरक्की करेंगे, अगर दुश्मनी में रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते इतनी तेजी से। फिर मोदी जी का है बयान, प्रधानमंत्री का, कि वॉर इज़ नॉट एन ऑप्शन नाउ, आप बातचीत से मसले हल करने हैं। कहाँ है वो बातचीत? आज इमरान खान छोड़ दीजिए, आज नवाज शरीफ वहाँ के वजीर आज़म बनने वाले हैं, वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हम बात करेंगे। क्या वजह है कि हम बातचीत के लिए तैयार नहीं है? अगर बातचीत से हमने ये सुलझाया नहीं तो हम माफ़ी चाहता हूँ आपसे कहने का, हमारा भी वही हाल होगा जो आज गाज़ा का और पैलेस्टीनियन का हो रहा है, जिन पे आज बमबारी की जा रही है इज़राइल की तरफ से। इलेक्शन इज़ पॉसिबल ड्यूरिंग दिस हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर? कुछ भी हो सकता है, अल्लाह ही जाने हमारा हाल क्या होगा, अल्लाह रहम करे हम पे। फारूक अब्दुल्ला को बड़ी चिंता हो रही है कश्मीर की। ये वही फारूक अब्दुल्ला हैं जब कश्मीरी पंडितों पर हमला हो रहा था तो भाई साहब विदेश चले गए, आज इनको चिंता हो रही है। कह रहे हैं भारत और पाकिस्तान अगर बातचीत करेंगे तो दोनों देश में विकास होगा। बॉस, इंडिया ऑलरेडी रॉकेट बनी हुई अर्थव्यवस्था, इंडिया में विकास हो रहा है। आपको अगर चिंता है कि पाकिस्तान में विकास क्यों नहीं हो रहा, वहां लोगों को आटा क्यों भीख मांगना पड़ रहा है, तो यह आपकी चिंता हो सकती है। दूसरा, अगर वो आतंकियों को भेजना बंद नहीं कर रहा है तो कौन हिसाब से बात होगी बॉस? और दूसरा कि कश्मीर कोई फिलिस्तीन नहीं है, कश्मीर दुनिया का मामला नहीं है, ये भारत का अपना मामला है। इससे फिलिस्तीन या किसी और को जोड़ना मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने जैसा है, जो भारत कभी होने नहीं देगा भले फारूक अब्दुल्ला बोले। जहां तक बात पाकिस्तान की है, ऐसे देश से कोई क्या बात करेगा बॉस, जहां आतंकवादी भी अब चुनाव लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में हाफिज सईद जैसे इंटरनेशनल आतंकी की पार्टी अब चुनाव लड़ रही है। पाकिस्तान में अगले साल 8 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों में हाफिज सईद की पार्टी PMML यानी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग सभी सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है। आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद लाहौर से चुनाव लड़ने जा रहा है। हाफिज सईद की पार्टी PMML में कई आतंकी शामिल हैं और उसकी पार्टी को चुनाव चिन्ह कुर्सी मिला हुआ है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 336 सीटें हैं, लेकिन चुनाव 266 सीटों पर होता है। बाकी 70 मनोनीत सदस्य होते हैं। सरकार बनाने के लिए 134 सीटों की जरूरत होती है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर आतंकी हाफिज सईद की पार्टी को 134 सीटों पर जीत मिल गई तो पाकिस्तान पाठशाला में अब आपके इलाज की बात, आपकी हर बीमारी का पता लगाने वाले सीक्रेट जासूस का चैप्टर, आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है ये जासूस सब बताएगा। बीमार होने पर आपने दवा के तौर पर कई बार कैप्सूल खाए होंगे। इन कैप्सूल के अंदर दवा भरी होती है जो शरीर में जाती है, बीमारी को ठीक करने में मदद करती है। लेकिन अब मेडिकल साइंस ने ऐसे कैप्सूल बना लिए हैं जो शरीर के अंदर जाकर समय से पहले बीमारी का पता लगा देंगे और उन्हें ठीक भी कर देंगे। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने ऐसे रोबो कैप्सूल बनाए हैं जिसमें कैमरा और सेंसर लगा हुआ है। ये रोबोट शरीर के अंदर जाकर स्कैन करेगा और बीमारी की वजह, जिन सेल्स में बदलाव हो जाते हैं बीमारी की वजह से, उनकी जानकारी देगा। दरअसल किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए सबसे जरूरी बात है कि उस बीमारी का सही समय पर पता लगे, क्योंकि शरीर के अंदर कौन सी बीमारी है इसके बारे में तभी पता चलता है जब वो बहुत बढ़ चुकी होती है और उससे परेशानी होने लगती है। लेकिन अब बीमारी की शुरुआत में ही पता लगाया जा सकता है कि शरीर के किस हिस्से में कौन सी गंभीर बीमारी पैदा हो रही है। इस तकनीक की सबसे खास बात यह है कि ये छोटे छोटे रोबोट बीमारी का पता लगाने के साथ साथ उसका इलाज भी करेंगे। आप सोचिए कि अगर समय रहते हुए बीमारी का पता चल जाए तो कैंसर और हार्ट अटैक जैसी कई बीमारियों को ठीक करने में बहुत हेल्प मिल सकती है। ज्यादातर हार्ट पेशेंट को अपनी बीमारी के बारे में पता ही नहीं चलता, जब उन्हें हार्ट अटैक या हार्ट से जुड़ी कोई दिक्कत महसूस होती है तब पता चलता है। इसी तरह से कैंसर का हाल है। इस बात को समझते हुए ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी के रोबोटिक्स विभाग ने 20 अलग अलग नैनो रोबोट तैयार किए। इन नैनो रोबोट का साइज करीब 2 मिलीमीटर डायमीटर है और इनमें कैमरे और सेंसर लगे हुए हैं। कई नैनो रोबोट में रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर भी हैं ताकि सर्जन देख सके कि शरीर के अंदर हो क्या रहा है
और सर्जन इन रोबोट को कमांड भी दे सकते हैं। ये कैप्सूल रोबोट इतने छोटे हैं कि इन्हें आसानी से निगला जा सकता है या शरीर में भेजा जा सकता है। वैज्ञानिकों ने लंग कैंसर के बारे में पता लगाने के लिए अल्ट्रा टेंटेक्स सॉफ्ट रोबो भी तैयार किए। इस रोबो का बाहरी हिस्सा इंसानी अंगों की तरह बहुत सॉफ्ट बनाया जाता है ताकि फेफड़ों की सबसे छोटी ब्रोंकियल ट्यूब तक आसानी से इन्हें पहुंचाया जा सके। इस रोबो की मदद से लंग कैंसर के बारे में यानी फेफड़ों के कैंसर के बारे में दूसरे मेडिकल डिवाइस से 37% ज्यादा जानकारी मिली है। रिसर्च के दौरान इस रोबो का इस्तेमाल एक डेड बॉडी के फेफड़ों में किया गया जिसके फेफड़ों के कैंसर की वजह से मौत हो गई। इस रोबो की वजह से फेफड़ों के कैंसर के बारे में पहले से ज्यादा और नई जानकारी मिली जो आने वाले समय में इसके इलाज को और आसान बना देगी। ब्रिटेन के अलावा जापान, अमेरिका और चीन भी इस तरह की तकनीक पर काम कर रहे हैं। चीन के वैज्ञानिकों ने तो ऐसी बायोडिग्रेडेबल मेडिकल डिवाइस तैयार कर ली है जो घुलकर शरीर के अंदर पहुंच जाती है। ये एक बायो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो शरीर के अंदर जाकर सेंसर्स की मदद से मॉनिटर करती है। इसके अलावा शरीर के अंदर जिस हिस्से में दवा पहुंचाने की जरूरत होती है ये वहां दवा भी पहुंचा देता है। ये डिवाइस किस तरह काम करता है इसकी सारी जानकारी कंप्यूटर पर मिलती है। इस तरह के नैनो रोबो तकनीक से बीमारी पर सटीक तरीके से काम किया जा सकता है। देख रहे हैं छोटी छोटी चीजें हैं। चीन के अलावा हांगकांग यूनिवर्सिटी ने भी एक ऐसा नैनो रोबो तैयार किया है जो शरीर के अंदर जाकर बीमारी पैदा करने वाले खतरनाक बैक्टीरिया को मार सकता है। इस यूनिवर्सिटी का दावा है कि यह डिवाइस 80% बैक्टीरिया को खत्म कर सकता है। इसके अलावा बैक्टीरिया को शरीर में फैलने से रोक सकता है। इस डिवाइस की मदद से हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसी दवाएं शरीर के अंदर पहुंचाई जाएंगी। ये दवा बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस तकनीक की सबसे शानदार बात यह है कि इसमें दवा की सही डोज सटीक जगह पर ही पहुंचेगी। हमारे शरीर में फेफड़ों से जुड़ी बहुत सारी बीमारी जैसे सर्दी, जुकाम, निमोनिया, टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, स्किन डिजीज और पेट से जुड़े रोग पैदा होते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर हो जाती है जिससे इंफेक्शन तेजी से फैलता है। ऐसे में यह डिवाइस बहुत मददगार साबित हो सकता है और आने वाले दिनों में लोगों की जिंदगी को और बेहतर बना सकता है। भाई आपको टाइम रहते पता चल गया, भाई आपका बच्चा मान लीजिए पढ़ाई नहीं कर रहा है, फेल होने पे पता चले कि पढ़ाई नहीं कर रहा है, उससे बेहतर तो ये ना कि आपको टाइम पे पता चले पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में कि देखिए आपका बच्चा पढ़ता है। ये वही हाल है कि पहले ही दवा जैसा खाइए ऐसा छोटा सा जाके बता देगा कि देखो तुम्हारा हाल गड़बड़ है ठीक करो। पाठशाला में अब किस्सा अनसुना। सलमान खान आज अपना 58th बर्थडे मना रहे। आज उन्हीं से जुड़ा एक अनसुना किस्सा आपको बताता हूं। एक इंटरव्यू में डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने बताया था कि साल 2003 में आई सलमान खान की फिल्म तेरे नाम को पहले अनुराग कश्यप डायरेक्ट करने वाले थे। अनुराग कश्यप ने बताया कि उन्होंने फिल्म के हीरो सलमान खान से अपने सीने पर बाल उगाने के लिए कह दिया। अनुराग कश्यप का मानना था कि फिल्म का बैकग्राउंड चूंकि यूपी में आगरा और मथुरा के आसपास का है इसलिए हीरो भी मथुरा आगरा वाला लड़का लग रहा ना चाहिए। उस वक्त तो अनुराग कश्यप की बात सुनकर सलमान खान शांत रह गए, लेकिन सलमान खान को अनुराग कश्यप की यह सलाह पसंद नहीं आई, जिसका नतीजा यह हुआ कि रातों रात अनुराग कश्यप को फिल्म तेरे नाम के प्रोजेक्ट से हाथ धोना पड़ गया। बाद में सतीश कौशिक ने सलमान खान की फिल्म तेरे नाम को का डायरेक्शन किया था। यानी सलाह ऐसी दी अनुराग कश्यप ने कि पत्ता ही कट गया फिल्म से, और ये खुद ही बताएं वो।